हरियाणा की सियासी फिजाओं ने अपना रुख बदल लिया है। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने प्रदेश की सियासत में बड़ा उलटफेर किया है। पार्टी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शुरू से ही चर्चाएं थीं कि गठबंधन टूटेगा और अब वो तस्वीर भी साफ हो गई है। बीजेपी के नेता बार बार यही कह रहे थे कि गठबंधन सरकार चलाने का है, लोकसभा चुनाव लड़ने का नहीं। 12 मार्च का दिन भी राज्य के इतिहास में लिखा जाने वाला है, क्योंकि जो किसी ने नहीं सोचा था वो बीजेपी ने करके दिखाया है और इसी बात के लिए बीजेपी जानी भी जाती है। मनोहर हाथों से कमान लेकर नायब सैनी के हाथों में प्रदेश की बागडोर सौंप दी गई है। नायब सैनी को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करवाई। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मुख्यमंत्री के चेहरे से पर्दा उठा तो कैबिनेट में किन नामों को शामिल किया जाएगा ये भी संशय बरकरार बना हुआ था। हर कोई जानने के लिए इच्छुक था कि आखिर मंत्रिमंडल में किन चेहरों को शामिल किया जाएगा। दरअसल नए मंत्रिमंडल में कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह, जेपी दलाल समेत डॉक्टर बनवारी लाल ने शपथ ग्रहण की। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य की श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अनंतकरण के निर्वहन करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक व शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जताई। हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमने धन्यवाद प्रस्ताव उस मंत्रिमंडल को दिया है कि प्रदेश के 9.5 वर्षों में आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा को नई दिशा दी है, एक गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हरियाणा एक
उनका ये खाली शब्द नहीं था। बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्य किया है हमने। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो उनके समय में दूर दराज बैठे जो उनकी एक भावना थी अंत्योदय की, उस भावना को लेकर के उन्होंने कार्य किए हैं, अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंची है। अगर घटना के नाते से मैं कह सकता हूं तो एक ही है कि जो जेजेपी के लोगों ने लोकसभा की सीटों के बारे में अनुमान की थी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के पहले से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह हमने वही हमारा हुआ है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व है, उनसे उन्होंने बातचीत की होगी तो उसमें से उनको लोगों ने अपने आप को 10 सीटें लड़ाएंगे। उसमें से उन्होंने कोई निर्णय किया होगा तो मुझे जानकारी नहीं, ऑफिशियल कोई बात उनके वहाँ हमने आई नहीं है। लेकिन साइलेंट कर लो फोन यार, उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है कि हम अलग से लोकसभा की सीटें लड़ाएंगे, उसी में से आगे के सम्मेलन हुए हैं, ये जो कार्यक्रम हो सकता है। यहाँ तक दूसरा विषय है, भारतीय जनता पार्टी ये परंपरा रही है कि हम संसद में समय समय पर नए जो नेतृत्व को आगे लाते हैं। मैं सियासत का सुपर मंगलवार रहा, सुबह से जो बेचैनी बनी वो शाम होते होते और सूरज ढलते हुए दूर हो गई। मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी के बाद नायब सैनी पर मुख्यमंत्री के तौर पर विश्वास जताया गया। इधर कैबिनेट मंत्रियों में कोई नया नाम नहीं शामिल हुआ, बल्कि जो मंत्री बने वो पुराने मंत्रिमंडल वाले ही नाम सामने आए। ऐसे में हरियाणा की राजनीति में अब और क्या देखना होगा ये वक्त बताएगा। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल और राज ठाकुर की रिपोर्ट।